पटना में ट्रांसजेंडर ने खोला रेस्टोरेंट। कुक से लेकर वेटर तक होंगे किन्नर समुदाय से। रेशमा बोली, शुरुआत बहुत मुश्किल। पटना में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा रेस्टोरेंट ओपन किया गया। इसका नाम सतरंगी दोस्ताना रखा गया है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इसे पूरे तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ मैनेजर, अकाउंटेंट, सर्विस देने वाले, क्लीनर, शेफ और असिस्टेंट सारे लोग ट्रांसजेंडर समुदाय से ही होंगे। ट्रांसजेंडर द्वारा खोला गया यह बिहार का पहला रेस्टोरेंट है। इसे आपको बता दें, इस पहल से ट्रांसजेंडर समुदाय में रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। कुल 20 ट्रांसजेंडर मिलकर इसको चलाएंगे। रेस्टोरेंट पहले के आपको बता दें पटना के गांधी मैदान स्थित मोना सिनेमा के ठीक पीछे बनाया गया है। पटना नगर निगम की तरफ से जमीन दी गई है। इस रेस्टोरेंट को 2 मंजिला बनाया गया है, जहां पहले फ्लोर पर लोग परिवार के साथ बैठकर खाने का आनंद ले सकेंगे। वहीं दूसरे मंजिल को ओपन टेरेस गार्डन के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ कपल्स और अन्य लोग मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर लोग भोजन कर सकेंगे, साथ ही छोटी छोटी पार्टियां भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में इंडियन और चाइनीज दोनों की तरफ ही व्यंजन बनेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshanth। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट की प्रमुख रेशमा बताती हैं कि रेस्टोरेंट खोलना मेरे लिए एक सपना था, जो अब पूरा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 3 साल से सपने के पीछे लगी हूँ। रेस्टोरेंट खोलने में आए दिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बदलाव के लिए काम तो करना पड़ता है और हम काम करने के लिए खड़े हो गए हैं। हमने 17 साल स्ट्रगल किया है, तब जाकर कुछ लोग इसे स्वीकार करने लगे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग हमें समझें और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। मैं चाहती हूं कि समाज हमें स्वीकार करे। रेशमा बताती है कि इसे पूरे तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें सभी कर्मचारी ट्रांसजेंडर समुदाय के ही काम कर रहे हैं। हमारे लिए रेस्टोरेंट खोलना बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ के नागरिक समुदाय की मदद से ज़रूर सारे लोग सफल होंगे। हम लोग भी सफल होंगे। आपको बताते चले, पटना में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा रेस्टोरेंट खोला गया है। इसका नाम सतरंगी दोस्ताना रखा गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।